बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर फर्जी मुकदमा लगाए जाने पर किया गया कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन। रीवा के कलेक्ट्रेट कार्यालय में बजरंग सेना ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बजरंग सेना रणवीर पटेरिया के ऊपर फर्जी मुकदमा लगाए जाने के विरोध में रीवा के कलेक्ट्रेट कार्यालय में किया आंदोलन प्रदर्शन। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां आज बजरंग सेना ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर फर्जी मुकदमा लगाए जाने को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय में हंगामा किया। बजरंग सेना का कहना है कि कैपिटल होटल छतरपुर में सम्मान समारोह हो रहा था, तभी कुछ हिंदू विरोधियों द्वारा उत्पात मचाकर अध्यक्ष जी के साथ मारपीट की कोशिश की गई। और जब अध्यक्ष महोदय अपनी टीम के साथ जबलपुर के सिविल लाइन थाने गए तो अधिकारियों द्वारा राजनीतिक दबाव में आकर रणवीर पटेरिया जी को गिरफ्तार कर लिया गया। बजरंग सेना की मांग है कि इस घटना को सीआईडी से जांच कराई जाए। वहीं बजरंग सेना ने बताया कि नवरात्र में शहर में मांस बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाए, अन्यथा बजरंग सेना द्वारा मांस की दुकानों पर कार्यवाही की जाएगी। इंडिया रिपब्लिक न्यूज के लिए रीवा से अविनाश तिवारी की खास रिपोर्ट। ये ज्ञापन प्रमुख रूप से हमारे बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रानी रणवीर पटेरिया जी के ऊपर प्रशासन द्वारा दबाव देकर झूठा प्रकरण कायम किया गया है। उनको थाने में अपना रिपोर्ट लिखाने के लिए बुलाया गया और फिर उनको जो है निरुद्ध कर दिया गया, उनको बैठा लिया गया और बताया गया कि आप खिलाफ जो है मुकदमा है। इस तरह से साजिश करके उनको थाने बुलाकर फंसाया गया, उनके खिलाफ झूठा प्रकरण दर्ज किया गया है। इसी को शासन को और प्रशासन को चिताने के लिए हम लोग मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने के लिए आज जो है ये यहाँ एकत्र हुए हैं। और प्रशासन जो है ये उनको हमारे बजरंग सेना की ताकत को देखते हुए डर के मारे प्रशासन जो है डर गया है और इसको दबाने के लिए हमारे अध्यक्ष जी पर जो है झूठा प्रकरण कायम करके और ये उनको जो है बदनाम करने के हमारे संगठन कोशिश कर रहा है। हमारी प्रमुख मांगे ये है कि उनको तुरंत जो है रिहा किया जाए, उनके ऊपर जो झूठा प्रकरण लगाया गया है उसकी सीआईडी से जाँच कराई जाए और जो है उनको उसके बाद उनको रिहा किया जाए, उनको तुरंत रिहा किया जाए, हमारी यही मांगे। उनको 327 का प्रकरण लगा दिया गया है, उनके बताया गया कि आपके खिलाफ 327 है, एक्सटॉर्शन का प्रकरण लगाया गया है, जबकि पूरे कोरोना काल में हम लोग देखे हैं कि उन्होंने स्वयं जो है गरीबों को खाद्यान्न बांटा है, दवाइयाँ बांटी है, सबकी मदद करी है, लेकिन उनके ऊपर जो है किसी की संपत्ति हड़पने का जो है मुकदमा कायम कर दिया गया है, जो कि पूर्णतः झूठा और निराधार है, बिल्कुल निराधार है। छतरपुर के सिविल लाइन थाने में दर्ज किया गया है, जबकि उस दिन विशाल उनकी सभा थी जिसमें जो है उनका सम्मान किया जा रहा था और सब बहुत सारी लगभग 500 से 1000 की भीड़ इकट्ठा थी जो जहां पर उनका सम्मान किया जा रहा था और पत्रकार बंधु भी थे और सारा मीडिया के सामने हुआ है, लेकिन थाने में चोरी छुपे उनको बुला करके साजिशन जो है उनके बुला करके और उनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि बहुत ही निंदनीय है। 21 मार्च की रात को अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो हम सड़क पर उतर कर जो है उनके सम्मान में और आंदोलन करते रहेंगे। देवेंद्र शुक्ला।